स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सरल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न कुंडली का सातवां भाग लेकर उपस्थित हूँ। ये एक और फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ज्योतिषियों से, लॉस प्रॉफिट, लाभ हानि। यानी अक्सर ज्योतिषियों के पास क्लाइंट्स आते हैं किसी काम को शुरू करने के लिए, किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और उनका प्रश्न होता है कि इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है आपके लिए। सिर्फ ये नहीं, मैं इसे यूं कहूंगा कि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। आप ध्यान से समझें इसको, कैसे आपने आंसर करना है। लॉस प्रॉफिट से संबंधी प्रश्न के वक्त चर राशि अगर, यानी चर राशियां जो है, मेष राशि चर राशि है, कर्क राशि चर राशि है, तुला राशि चर राशि है, मकर राशि चर राशि है, अगर ये राशियां उदय होती हैं तो जैसे मेष लग्न आ गई या कर्क लग्न उदय हो गई प्रश्न कुंडली के वक्त, तो ये चर राशि उदय होने का मतलब है कि लाभ की मात्रा या लाभ आपको होने की संभावना कम हो जाती है। और करेला और नीम चढ़ा वाला स्थिति ये होती है कि अगर लग्न को, यानी लग्न स्थान पे, यानी लग्न को सूर्य मंगल शनि इन तीनों में से कोई भी अगर सीधी दृष्टि अगर देता है लग्न पे, शनि मान लीजिए यहां बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में और दशम दृष्टि वो लग्न को दे रहा है, मंगल यहां बैठा हुआ है और आठवीं दृष्टि लग्न पे दे रहा है, या मंगल यहां बैठा हुआ है और चतुर्थ दृष्टि लग्न को दे रहा है, शनि देव यहां बैठे हुए तृतीय दृष्टि लग्न पे दे रहे हैं, या शनि देव यहां बैठे हुए हैं सातवीं दृष्टि दे रहे हैं, या मंगल यहां बैठा हुआ है सातवीं दृष्टि लग्न पे दे रहा है। तो जातक ने जो प्रश्न किया है लाभ हानि से संबंधी, यानी किसी चीज में इन्वेस्ट करने जा रहा है या कोई काम करने जा रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपका काम नहीं बनेगा, आप इन्वेस्टमेंट इस वक्त ना करें। क्योंकि प्रश्न ज्योतिष का एक बहुत नॉर्मल सा नियम आप याद रख लीजिए कि धन संबंधी प्रश्न जब भी होगा, धन लाभ से संबंधी जब भी प्रश्न होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करके धन लाभ होगा या नहीं, तो चर राशि अगर उदय हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि लाभ नहीं होगा। चर का मतलब है चले जाना, तो धन इस स्थिति में रुकेगा नहीं, धन नहीं रुकता चर राशि में। यात्रा संबंधी अगर प्रश्न अगर हो तो चर राशि आपके लिए फेवरेबल है। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं कि बेसिक्स आपके दिमाग में पूरा बैठा हुआ होना चाहिए। धन संबंधी प्रश्न में जब लाभ प्रॉफिट वाली बात हो, धन लाभ से संबंधी या किसी काम से संबंधी प्रश्न हो, तो स्थिर लग्न महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे वृष लग्न प्रश्न कुंडली के वक्त आए, सिंह लग्न आए, ठीक है ना, वृश्चिक आए, या कुंभ लग्न उदय हो, तो आप धन की स्थिरता के बारे में आप जातक को कह सकते हैं कि आपको फायदा होगा। खास करके कोई नया व्यवसाय शुरू करते वक्त या किसी नए व्यवसाय से संबंधी प्रश्न अगर हो, तो उस वक्त प्रश्न कुंडली में स्थिर लग्न उदय होनी चाहिए। स्थिर लग्न का उदय होना व्यवसाय में स्थिरता देता है। अब एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि दी स्वभाव लग्ने अगर उदय हो तो क्या होगा। तो तीन, जैसे कि मिथुन लग्न, कन्या लग्न या धनु लग्न या मीन लग्न अगर उदय हो जाए तो क्या होगा। अब मैं यहां फिर रिपीट करूंगा कि ज्योतिष का बेसिक आपको ध्यान में रखना है ऐसे मामलों में, और यहां रूल समझ लीजिए
कि द्विस्वभाव लग्नों को आपने आधा आधा बांट लेना है आपस में। तो इसको आपने आधा आधा बांट लेना है आपस में। आधा बांट लेने का मतलब ये है कि 1 से 15 डिग्री तक स्थिर राशि का फल देगा और 15 से 30 डिग्री तक ये चर राशि का फल देगा। इसीलिए इसे द्विस्वभाव लग्न कहा जाता है। द्विस्वभाव लग्नों में दोनों राशियों का स्वभाव सम्मिलित होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि 1 से 15 तक स्थिर, तो ये ध्यान रखना आपने 1 से 15 तक स्थिर और 15 से 30 तक चर राशि का फल द्विस्वभाव राशियां देंगी। एक स्टेप आगे आपने और देखना है कि प्रश्न के वक्त लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं प्रथम भाव में और सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या लग्न को कौन से ग्रह देख रहे हैं। इन सब चीजों का भी आपने ख्याल करना है। शुभ ग्रह अगर देख रहे हैं तो आप सफलता कह सकते हैं, अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रश्न में असफलता मिलेगी। यात्रा संबंधी मामले में चर राशि आपके लिए फायदेमंद है। रोग से संबंधी प्रश्न अगर कोई करता है, पहला सूत्र आपके पास यह है कि मान लीजिए कोई पूछता है कि मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरी तबीयत खराब है इस वक्त, मैं स्वस्थ कब होऊंगा या स्वस्थ होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, तो आप देख सकते हैं चर राशि अगर उदय होती है 1, 4, 8, 11 प्रथम भाव में, तो आप कह सकते हैं कि रोग अस्थिर हो जाएगा। यहाँ चर मतलब चले जाना, तो आप जातक को कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। पद प्राप्ति से संबंधी अगर प्रश्न भी आता है तो भी चर राशि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। पद प्राप्ति से संबंधी प्रश्न में आपको स्थिर लग्न चाहिए। पद लाभ से संबंधी अगर कोई प्रश्न करता है तो आपको प्रश्न कुंडली में पद प्राप्ति से संबंधी प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं कि अगर चर लग्न आती है तो आप कह सकते हैं कि पद प्राप्ति का योग कम है। स्थिर लग्न अगर आती है तो पद प्राप्ति का योग आप कह सकते हैं कि आपका बन रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो रूल्स मैं बताता चला आ रहा हूं उन सब रूल्स का भी इस्तेमाल आपने करना है। अब एक ही में सब बता के गड़मड़ नहीं करना चाहता, लेकिन उन रूल्स को भी याद रखना है। जैसे इत्तिसाल का रूल जो मैंने बताया है, प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस भाव से संबंधी प्रश्न पूछा गया है उस भाव को अगर चंद्रमा देखता है या चंद्रमा लग्न में बैठा होता है या चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे हो, कार्येश पे चंद्रमा की अगर दृष्टि हो, तो निश्चित तौर पे सफलता का जो ग्राफ बढ़ जाता है। चंद्रमा काफी फ्रूटफुल ग्रह होता है और तत्काल लाभ या जल्दी ही लाभ देने का इंडिकेशन करता है प्रश्न कुंडली के दौरान। पद लाभ से संबंधी अगर प्रश्न हो जातक का और स्थिर लग्न उदय हो रही हो तथा दशम भाव में मंगल अगर बैठा मिल जाए तो आप पद लाभ के बारे में निश्चित हो सकते हैं। क्लाइंट को निश्चित होकर कह सकते हैं कि आपको पद लाभ होने का योग बन रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ दिग्बली हो जाता है और मंगल यहाँ सुख फल करता है। मंगल की जगह सूर्य का बैठा होना भी पद लाभ का इंडिकेशन करता है। सूर्य पावर का इंडिकेशन देता है और सूर्य मंगल दोनों का योग बन जाता है तो काफी शक्तिशाली पद पर बैठने का योग बन जाता है। सूर्य को मंगल का साथ मिलने का मतलब है राजा को सेना का साथ मिल गया, सेनापति का साथ मिल गया। तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में आप प्रश्न कुंडली के उत्तर कैसे निकाले जाते हैं, प्रश्न कुंडली का जवाब कैसे देना चाहिए, आप सीखते रहिए। मैं जहां तक हो सकेगा मैं प्रश्न कुंडली के जवाब कैसे देने हैं, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, उसके वीडियोस में डालता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये कॉमन क्रिएटिव वीडियो है। जितने भी ट्यूटोरियल वीडियो में डाल रहा हूँ कॉमन क्रिएटिव के तौर पर डाल रहा हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
डाउनलोड कर सकता है। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम जैसी स्थिति नहीं आने वाली। तो इजाजत दीजिए मुझे, जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों सालों से, उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।